आज हम बात करने वाले हैं फीटल सर्कुलेशन। फीटल सर्कुलेशन, फीटल सर्कुलेशन की अगर बात करें तो जब प्रेगनेंसी के दौरान मदर से बेबी को किस प्रकार से न्यूट्रिशन हो गया, ऑक्सीजन हो गया वो मिलता है, अपन वो देखने वाले हैं कि ये जो सर्कुलेशन होता है फीटल जब प्रेगनेंसी के समय मदर से बेबी को न्यूट्रिशन कैसे मिलता है, वो भी एक सर्कुलेशन के सर्कुलेशन से उस पर अपने को फीटल सर्कुलेशन के अंतर्गत अपने को ये देखना है कि कौन कौन से इसमें ये तो सर्कुल पहली चीज तो ये सर्कुलेशन होता कैसे है, ठीक है, ये पूरा का पूरा इसको न्यूट्रिशन कैसे मिलता है, देन इसके बाद उसमें चेंजेस कौन कौन से होते हैं आफ्टर बर्थ, कौन कौन से चेंजेस उसमें होते हैं। प्लासेंटा, अम्बिलिकल कॉर्ड, ठीक है, जिससे मदर से बेबी जो है अम्बिलिकल कॉर्ड के थ्रू कनेक्ट होता है। ठीक, अब देखें तो अपने को यहाँ मिलेगी कोरियोनिक विलाई, प्लासेंटा प्रेजेंट होती है कोरियोनिक विलाई, मतलब यहाँ पे कैपिलरीज का जाल होता है जो कि मदर के एंडोमेट्रियम से कनेक्ट होता है, यूट्रस से कनेक्ट होता है और मदर से ब्लड कलेक्ट करके बच्चे तक भेजता है। ये हो गई क्या कोरियोनिक विलाई, ठीक है। अब यहाँ पे कैपिलरीज का जाल मतलब आपको और क्या मिलेगी, वेन मिलेगा, ये आर्टरी और वेन जो कि फॉर्म करते हैं क्या, इसको अपन बोलते हैं क्या कोरियोनिक विलाई, ठीक है। देन ये कोरियोनिक विलाई फॉर्म करता है क्या अम्बिलिकल वेन जो कि मदर से बच्चे को सप्लाई करता है, न्यूट्रिशन लेकर जाता है, ऑक्सीजन हो गया। अब इसमें ऑक्सीजन की मात्रा काफी होती है, लगभग 80% सेचुरेशन मिलेगा आपको इसमें ऑक्सीजन का, ऑक्सीजन की मात्रा। तो ये हो गई क्या अम्बिलिकल वेन, ठीक, ये क्या था अपना अम्बिलिकल कॉर्ड, अम्बिलिकल कॉर्ड, अम्बिलिकल कॉर्ड से के अंदर अम्बिलिकल वेन, क्या अम्बिलिकल वेन चलती है और इंटर करती है बच्चे पे, बच्चे को सर्कुलेशन के लिए। देन आपको यहां मिलेगा लीवर, ठीक, इसमें देखिए अपन तो सर्कुलेशन
स्प्लिंचिक सर्कुलेशन जो कि पोर्टल वेन है ना और पोर्टल वेन ये अम्लाइकल वेन इंटर करती है लीवर में, ये अम्लाइकल वेन इंटर करती है लीवर में और कुछ भाग सप्लाई देता है किसको, लीवर को है ना, अपने इंटर करती है पोर्टल सर्कुलेशन में और फॉर्म करता है डक्टस आर्टेरियोसस, सॉरी डक्टस वेनोसस, फॉर्म करता है डक्टस वेनोसस जी ठीक, जो कि लीवर के पोस्टीरियर साइड से, लीवर के पीछे से ये निकलती है और ये डक्टस वेनोसस इंटर करता है किस पे, इंफीरियर वेना कावा पे, किस पे, इंफीरियर ठीक। देन ये अब जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड था इंफीरियर वेना कावा पे, अब वो ज्यादा कैसा हो गया, ऑक्सीजनेटेड हो गया, जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड था वो हो गया ऑक्सीजनेटेड, क्योंकि यहां से इसको मिला क्या, ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर आ रही है कौन, अम्बाइकल वेन और ये इंटर करता है किस पे, इंफीरियर वेना कावा हार्ट पे इंटर कर रहा है वो हार्ट पे ठीक है। देन राइट साइड ऑफ द हार्ट एंड ये क्या बना रहा है वो राइट साइड ऑफ द ये हो गया सुपीरियर वेना कावा, ये हो गया इंफीरियर वेना कावा और ये जो अपनी अम्लाइकल वेन है लीवर में एंटर करती है तो कुछ सप्लाई जाती है कहां, पोर्टल सर्कुलेशन में और मेजर पोर्शन जो है डक्टस वेनोसस, क्या डक्टस वेनोसस जो कि लीवर के पोस्टीरियर साइड में मिलेगा, डक्टस वेनोसस के थ्रू इंटर करती है कहां, डायरेक्ट इंफीरियर वेना कावा में और इंफीरियर वेना कावा से ब्लड, अब ये जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड था हाईली ऑक्सीजनेटेड कंसेंट्रेटेड हो गया और ये इंटर करता है एट्रियम में, राइट एट्रियम में और राइट एट्रियम से फोरामेन ओवेल, फोरामेन ओवेल
ठीक, फोरम है ओवल के थ्रू, ये दोनों एटीएम के बीच एक फोरामेन मिलेगा जिसको अपन बोलते हैं फोरामेन ओवल, फोरामेन ओवल, ठीक। फोरामेन ओवल की चर्चा अपन करते हैं आगे, ये फोरामेन यहां से ब्लड फोरामेन ओवल के थ्रू डायरेक्ट कहां आएगा अपने एट्रियम में, लेफ्ट एट्रियम में। अब ये फोरामेन ओवल की अगर अपन बात करें तो फोरामेन जो ओवल है सेप्टम सेकेंडम और सेप्टम प्राइमम, क्या सेप्टम सेकेंडम और सेप्टम प्राइमम वो क्या है, ये हो गया अपना एट्रियम, ठीक, और ये हो गया क्या लेफ्ट लेफ्ट राइट एट्रियम लेफ्ट एट्रियम, ठीक। इन दोनों के बीच फिटल फिटल में फिटल लाइफ में एक मिलेगा सेप्टम सेकेंडम, क्या सेप्टम एस को होता है जो कि सेप्टम सेकेंडम, और इसमें मिलेगा सेप्टम प्राइमम, क्या सेप्टम प्राइमम, ठीक। तो इससे ब्लड जो है जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो इंटर करके यहां से डायरेक्ट कहां जाता है अपने राइट एट्रियम से लेफ्ट एट्रियम में, ठीक। इसमें जो सेप्टम होते हैं कौन कौन से, सेप्टम सेकेंडम और सेप्टम प्राइमम, ठीक। तो इनके बीच में जो फोरामेन है इसको अपन बोलते हैं क्या फोरामेन ओवल, ठीक। फोरामेन ओवल से ब्लड कहां जाता है इंफीरियर वेना कावा, ठीक है। इंफीरियर वेना कावा से जो ब्लड आता है वो डायरेक्टली इंटर करता है किस पे अपने लेफ्ट एट्रियम पे, किससे फोरामेन ओवल के थ्रू, ठीक है। देन फोरामेन ओवल के थ्रू अब जो सुपीरियर, अब इसकी बात करें अपन सुपीरियर वेना कावा का ब्लड, किसका सुपीरियर वेना कावा का ब्लड, सुपीरियर वेना कावा का ब्लड जो आता है वो किधर आ रहा है सीधा वेंट्रिकल पे, वो कहां आ रहा है लेफ्ट सॉरी राइट वेंट्रिकल पे, ठीक है। किस पे आ रहा है राइट वेंट्रिकल पे, तो सुपीरियर वेना कावा का जो ब्लड आता है वो आता है किस पे लेफ्ट राइट वेंट्रिकल पे, और राइट वेंट्रिकल से पल्मोनरी ट्रंक के थ्रू, क्या पल्मोनरी ट्रंक के थ्रू कहाँ जाता है लंग्स में। अब अपने को पता है कि इंट्रा यूट्राइन लाइफ पे, इंट्रा यूट्राइन लाइफ पे जो लंग्स होते हैं वो कैसे होते हैं नॉन फंक्शनिंग होते हैं, कैसे होते हैं वो नॉन फंक्शनिंग होते हैं, मतलब वो काम नहीं करते हैं, ठीक। एक ही साइड का लंग्स देखें अगर अपन, तो ये क्या हो गया अपना ब्लड आ रहा है सुपीरियर वेना कावा से राइट एट्रियम से डायरेक्ट इंटर करता है कहां राइट वेंट्रिकल में, और पल्मोनरी ट्रंक से कहां जाता है अपने लंग्स में। लेकिन यहां से ये जो 25% ब्लड है वो जो आ रहा है सुपीरियर वेना कावा से राइट वेंट्रिकल में वो जब लंग्स में जाता है तो पूरा का पूरा ब्लड अपना 25% लंग्स में नहीं जाता, क्यों, क्योंकि वो नॉन फंक्शनिंग होता है, ठीक है। तो यहीं से निकलता है अपना क्या एओर्टा
एओर्टा ये क्या हो गया एओर्टा। ठीक, एक यहां पे आपको कम्युनिकेशन मिलेगा, किसका कम्युनिकेशन मिलेगा, ये जो कि ब्लड, अब इसके पास ब्लड कैसा है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड है। एओर्टा के पास कैसा ब्लड है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, जो कि यहां से आया था अपने पास। इसके पास भी ब्लड डायरेक्ट राइट एट्रियम से लेफ्ट एट्रियम में गया और वेंट्रिकल्स में आया और एओर्टा के थ्रू ब्लड अभी कैसा है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड है। ठीक है, लेकिन 25% ब्लड अभी है अपने पास क्योंकि कैसा है, डीऑक्सीजनेटेड है। और ये ब्लड कहाँ जाता है, लंग्स में। कहाँ, लंग्स में, जिसमें से क्योंकि स्पीरे में लगा हुआ से जो ब्लड आता है वो डायरेक्ट कहाँ आता है, राइट वेंट्रिकल में। अब ये ब्लड 25% ब्लड पूरा नहीं, 10% ब्लड, कितना 10% ब्लड कहाँ जाता है, लंग्स में जाता है। और 25% ब्लड यहाँ पे एक कम्युनिकेशन मिलता है, किसका, पल्मोनरी आर्टरी और एओर्टा का, जिसको अपन बोलते हैं डक्टस आर्टेरियोसस। क्या, डक्टस आर्टेरियोसस। ठीक, तो ये जो ब्लड था ये जाकर 15% ब्लड जाकर किसे मिला, एओर्टा से, किससे, डक्टस आर्टेरियोसस के थ्रू जाकर एओर्टा से जाकर मिला और ये ब्लड भी कैसा हो गया, ऑक्सीजनेटेड हो गया। देन यहां से लंग्स से पल्मोनरी आर्टरी, पल्मोनरी वेन इंटर करती है ना अपने राइट एट्रियम में, बोथ लंग से, एक आपको दो पल्मोनरी आर्टरी, सॉरी दो पल्मोनरी वेन देखने मिलेगी जो कि इंटर करती है किस पे, अपने लेफ्ट एट्रियम पे। ठीक है, तो यहां पे क्या हुआ, अब ब्लड आ गया राइट वेंट्रिकल से पल्मोनरी ट्रंक के, तो पल्मोनरी आर्टरी से डक्टस आर्टेरियोसस के थ्रू ब्लड मिक्स हो गया 15% ब्लड, देन जो 10% ब्लड था वो लंग्स में गया, उसको न्यूट्रिशन देने के बाद जो था वो वापस कहाँ गया, पल्मोनरी वेन के थ्रू वापस से राइट लेफ्ट एट्रियम में। देन अब जो एओर्टा के थ्रू सर्कुलेशन आ रहा है वो बॉडी में सर्कुलेट होगा और जो यहाँ का मेटाबॉलिक है ना, जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो ये क्या हो गई अपनी अम्लाइकल आर्टरी, आपको दो अम्लाइकल आर्टरी ठीक है मिलेगी। ठीक, ठीक है, और ये अपना क्या हो गया यहां से, ये अपना सुपीरियर वेना कावा हो गया, सॉरी इंफीरियर वेना कावा हो गया, और ये पोर्टल सर्कुलेशन, इंट्रिंसिक सर्कुलेशन जो कि लीवर लीवर में इंटर करता है और साइनस में जाके सप्लाई करता है और हेपेटिक वेन फॉर्म करके इंफीरियर वेना कावा में इंटर करता है। ठीक है, तो ये हो गया अपना डक्टस आर्टेरियोसस। अब अपन देखें तो ये जो अपनी अम्लाइकल आर्टरी है
फ्लोइकल आर्टरी एंड कोरियोनिक विलाई, जिसकी चर्चा अपन ने पहले की थी, है ना। तो ये क्या होगी, अम्बिलिकल आर्टरी और ये फिटल सर्कुलेशन। एक बार देखते हैं क्या होगा। अब ये है अपना प्लासेंटा, प्लासेंटा में है क्या, कोरियोनिक विलाई, जो कि जिसके पास ऑक्सीजनेटेड ब्लड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड दोनों है, ठीक है। तो अम्बिलिकल, ये अम्बिलिकल कॉर्ड, अम्बिलिकल कॉर्ड में दो आर्टरी, एक आर्टरी, दो आर्टरी और एक वेन गुजरती है, ठीक है। देन यहां से अम्बिलिकल वेन, अम्बिलिकल वेन के थ्रू पहले अम्बिलिकल वेन इंटर करती है, देन यहां से लीवर के अंदर इंटर करती है, लीवर के पोस्टीरियर साइड से, ठीक है। कुछ कुछ भाग इससे डिवाइड होता है और सर्कुलेशन करता है किसको, लीवर को। देन यहां से डक्टस वेनोसस, क्योंकि लीवर के जस्ट पीछे से गुजर रहा होता है, जिसको अपन बोलते हैं डक्टस वेनोसस। ये डक्टस वेनोसस डायरेक्ट इंटर करता है किसपे, अपने इंफीरियर वेना कावा में, और इंफीरियर वेना कावा से जो अब जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो डायरेक्ट कहाँ जा रहा है, राइट एट्रिया में। तो पहले इसका कंसंट्रेशन सीओटू कंसंट्रेशन कम था, लेकिन जो अम्बिलिकल वेन है जिसमें ऑक्सीजन की ऑक्सीजनेटेड ऑक्सीजन की मात्रा लगभग 80% सैचुरेशन है उसमें, तो ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ जा रहा है, अपने राइट एट्रियम में, और राइट एट्रियम से डायरेक्ट किसके थ्रू, किसके थ्रू, अपने फोरामेन ओवल के थ्रू। फोरामेन ओवल की अपन ने बात की थी, फोरामेन ओवल जो कि फॉर्म होता है किससे, सेप्टम सेकेंडम एंड सेप्टम प्राइमम, ठीक है। तो ये फोरामेन ओवल से डायरेक्ट इंटर करता है किसी पे, अपने राइट एट्रियम पे, सॉरी लेफ्ट एट्रियम पे, राइट एट्रियम से फोरामेन ओवल के थ्रू लेफ्ट एट्रियम पे, और लेफ्ट एट्रियम से फिर आता है कहाँ, लेफ्ट वेंट्रिकल पे। यही अगर सुपीरियर वेना कावा में देखें अपन, सुपीरियर वेना कावा से जो ब्लड आता है, सो वहां से ब्लड डायरेक्ट इंटर करता है किस पे, लेफ्ट वेंट्रिकल पे, और लेफ्ट वेंट्रिकल से जब ये पल्मोनरी ट्रंक और पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू, जिसमें 25% ब्लड आपको मिलेगा, और ये ब्लड जब जाता है पल्मोनरी ट्रंक के थ्रू पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू लंग्स में, 10% ब्लड, क्योंकि इस समय लंग्स होते हैं वो नॉन फंक्शनिंग होते हैं, तो लंग्स में जाता है, और उसके बाद कुछ भाग यहाँ पे एक आपको कम्युनिकेशन मिलेगा किसका, एओर्टा और आर्टरी का, जिसमें से जो डीऑक्सीनेटेड ब्लड है, जो बचा ब्लड है, वो इंटर करता है किस पे, अपने एओर्टा पे, ठीक है। जब ये एओर्टा पे इंटर करता है तो ये ब्लड भी ऑक्सीजनेटेड हो जाता है, और अब ये एओर्टा के थ्रू जो 15% ब्लड यहाँ पे मिक्स हुआ किसके थ्रू, डक्टस आर्टेरियोसस, इस डक्ट को अपन क्या बोलते हैं, डक्टस आर्टेरियोसस, और ये जो है फिर पूरे बॉडी में सर्कुलेट होता है और सप्लाई करता है, जो फिर मेटाबॉलिक वेस्ट प्रोडक्ट अब शरीर से बाहर जाने, तो दो आर्टरी फॉर्म होती है जिसको हम बोलते हैं अम्बिलिकल आर्टरी, और ये अम्बिलिकल आर्टरी फॉर्म करती है, वापस से ब्लड सप्लाई करती है, प्लासेंटा में जाती है, और यहाँ से मेटरनल साइड पे जो आर्टरी है उनको सप्लाई करके इनको जो मेटाबॉलिक वेस्ट प्रोडक्ट है वो मदर बाहर करती है। अब अपन बात करें आफ्टर डिलीवरी, ठीक है, डिलीवरी के बाद ये जो अब इस पर अपन क्लैंप लगाते हैं, ठीक है। तो ये जो डक्टस आर्टेरियोसस है, पहला चेंजेस जो आएगा वो मिलेगा किस पे, ये जो अम्बिलिकल वेन है, ठीक है, सॉरी अम्बिलिकल वेन है, ये इंटर करती है, तो अपन ये जब लीवर के पास है तो ये कन्वर्ट होती है लिगामेंटम टेरिस में, और ये लिगामेंटम वेनोसस में, ठीक है, किसमें, लिगामेंटम वेनोसम। देन ये फोरामेन ओवल, ये फोरामेन ओवल जो है ये दोनों आपस में फ्यूज हो जाते हैं, कौन कौन, सेप्टम सेकेंडम सेप्टम प्राइमम, ये दोनों आपस में फ्यूज हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं, जिसको अपन बोलते हैं फोरामेन फोसा ओवियलिस, ये कन्वर्ट हो जाता है किसमें, फोसा ओवियलिस में, ठीक है। तो ये एक चेंजेस होते हैं, और ये डक्टस आर्टेरियोसस जो है, ये डक्टस आर्टेरियोसस कन्वर्ट हो जाता है किसमें, लिगामेंटम आर्टेरियोसस में। तो चेंजेस आप देख सकते हैं, एक दो तीन एंड चार, ठीक है। तो अम्बिलिकल वेन कन्वर्ट हो जाती है किसमें, लिगामेंटम टेरिस में, डक्टस वेनोसस कन्वर्ट होता है लिगामेंटम वेनोसस में, फोरामेन ओवल कन्वर्ट होता है किसमें, जब ये दोनों भर जाते हैं तो अपन इसको बोलते हैं फोसा ओवियलिस, और डक्टस आर्टेरियोसस कन्वर्ट होता है किसमें, लिगामेंटम आर्टेरियोसस में, ठीक है। ये एक फिटल सर्कुलेशन है।